फिर दहेज की भेंट चढ़ी एक बेटी, आला अधिकारियों के दर पर भटक रही बेटी को नहीं मिला इंसाफ। सरकार की बेटी बचाओ अभियान को ठेंगा दिखा रहे आला अधिकारी, आखिर कब मिलेगा बेटी को इंसाफ, कब जागेंगे आला अधिकारी। मकान और नौकरी का झूठा सपना दिखाकर दहेज में ली मोटी रकम, दहेज में कार न मिलने पर पत्नी से जबरन कराया तलाक, बंधक बनाकर पत्नी को रखा घर में नौकरानी बनाकर। पुलिस के दखल से पति के घर में से मुक्त कराई गई विवाहिता न्याय के लिए अधिकारियों के चौखट पर लगा रही चक्कर। दहेज की हवस इतनी हो गई है कि मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया गया है। समाज के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और माता पिता अपनी औलाद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज के थाना धूमनगंज के कालंदीपुरम के राजरूप में सामने आई है, जहां उक्त निवासी अलख कुमार श्रीवास्तव पुत्र उमाशंकर ने पुलिस सेवा में नौकरी का झूठा भरोसा देकर और किराए का बनारस में मकान अपना बताकर 19 फरवरी 2018 को गाजीपुर के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी प्रेमचंद्र श्रीवास्तव की लड़की सैल श्रीवास्तव से शादी किया था। उस दौरान दहेज में मोटी रकम लिया था। शादी के बाद से अलख श्रीवास्तव और उसके परिजनों ने बहुत सैल श्रीवास्तव को बनारस का किराए का घर छोड़कर प्रयागराज के धूमनगंज में आकर रहने लगे और दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को प्रताड़ित कर जबरन उसे तलाक करवा लिया और उसके मायके में कई महीने तक फोन से बात नहीं कराया। किसी तरह पड़ोसियों की मदद से पीड़िता ने मायके भाई को घटना की जानकारी दी, जिस पर मायके वालों ने धूमनगंज की पुलिस से मदद ली और लड़की को बंधक मुक्त कराकर भाइयों को सौंप दिया। कई दिनों से पीड़िता अपने परिजनों को लेकर स्थानीय थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। पीड़िता ने पति समेत सास ससुर के खिलाफ दहेज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लिखवाने के लिए जिले के आला अफसरों के अलावा सीएम डिप्टी सीएम के यहाँ भी फरियाद की है। आखिर कहाँ गया सिस्टम, आखिर कहाँ गए सरकार के बड़े बड़े दावे, आखिर कब मिलेगा बेटी को इंसाफ, कब सुनेंगे आला अधिकारी, आखिर कार्रवाई करने से क्यों बच रही पुलिस, क्या पुलिस और अधिकारियों को इसका जवाब देना नहीं चाहिए, आखिर पुलिस और अधिकारी जवाबदेही तो हैं। इस तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टीवी इंडिया 18 से। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। ये बताइए कि आपकी शादी के बाद आपके पति ने लगभग रोज मारते थे कि बीच बीच में? जब दिल्ली से आते थे तब मारते थे। खाना पीना ठीक से देते थे या नहीं? नहीं मिलता था। और पहली वाली जो शादी हुई थी उसके बाद जो है किसी और महिलाओं से आपके अलावा कोई उससे संबंध की जानकारी है आपकी? नहीं नहीं है। नहीं। कितने दिन हो गया शादी के आपके? 3 साल। 3 साल हो गया। अपना नाम बताइएंगे कुछ? सैल श्रीवास्तव। अच्छा, आपकी जिसके साथ शादी हुई थी उनका क्या नाम है? अलख कुमार। अच्छा अच्छा, शादी आपकी कहाँ पे हुई थी? सुंदरपुर लॉन से हुआ था। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। इसमें मौजूदा कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? प्रयागराज में। कहाँ पे? कालिंदीपुरम में, राजरूपुर। तो आपके तलाक कितने दिन हो गया? 6 महीना हो गया। उसके बावजूद भी आपको रखा है? हाँ। तलाक आप अपनी मर्जी से लिया, जबरदस्ती कराया उसने? जबरदस्ती। अच्छा अच्छा, ठीक बेटा।